आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेबसाइट। आप मुझे मैं आशा करती हूँ कि आपने चैप्टर वन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है अपनी कॉपी में कर लिया होगा और उसके बारे में भी पढ़ लिया होगा, उसके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बच्चों आज हम टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें से कम बोर्ड के एग्जामिनेशन में 10-15 मार्क्स का कवर होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, लास्ट ईयर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कई आए हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं ध्यान से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट आपने सामने देखी होगी, आजकल इंटरनेट सब यूज़ करते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ नेटवर्क विच इज़ कनेक्टेड थ्रू अ वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट क्या है? जो कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड हैं वो क्या बना रहे हैं? आपका इंटरनेट बनाते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर का जो जाल बनता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अब ये वेबसाइट्स क्या होती हैं? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नेटवर्क वेब रिसोर्सेज। वेबसाइट क्या है? आपका कलेक्शन जो है वो वेब पेजेस है, such as multimedia content which are typically identified with a common domain name, जिन्हें एक ही नाम से identified किया जा सकता है। जैसे कि flipkart.com है, तो flipkart.com में जो है सब क्या होंगे, आपके जो web content होगा और web pages होंगे वो flipkart के related ही जो होगा वो उस domain पे registered होंगे, ठीक है। तो वो क्या बनेगी? एक websites बनेगी। जैसे मैं amazon.com है, तो amazon.com पे क्या होगा, उसके रिगार्डिंग ही वेब पेजेस होंगे, उसके रिगार्डिंग ही मल्टीमीडिया कंटेंट होगा और उस वो एक डोमेन पर रजिस्टर्ड होंगे आपके। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस मल्टीमीडिया कंटेंट विच आर आइडेंटिफाइड विद अ कॉमन डोमेन नेम, जो को आइडेंटिफाइड किया जा सकता है एक कॉमन डोमेन नेम से। देखिए ये मैंने एक वेबसाइट ली है जैसे amazon.com है, तो amazon.com क्या है आपका, जो ये क्या है amazon.com आपका डोमेन नेम है, ठीक है। तो अब ये सेम इसी की जितने भी मल्टीमीडिया होंगे, जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी वेब पेजेस होंगे इसमें और जितना भी आपका कंटेंट होगा वो इस amazon.com जो डोमेन है उसके रिगार्डिंग ही होगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर, व्हाट इज़ वेब पेजेस। मैम वेब पेजेस क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, अ वेब पेज इज अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट एंड डिस्प्लेड टू अ यूज़र इन अ वेब ब्राउजर। वेब पेज क्या है कि कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का एक जगह एकत्रित किया गया है, प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट एंड डिस्प्लेड टू अ यूज़र, जो कि वेब ब्राउज़र पर यूज़र को दिखाई जा रही है। वेब ब्राउज़र मैं बताऊंगी अभी आपको। वेबसाइट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी वेब पेजेस लिंक टूगेदर। अभी हमने पढ़ा वेबसाइट क्या है, कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होती है? वेब पेजेस पे कोई सूचना या इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी, जैसे फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट हुई, तो वेबसाइट पे जो एक पेज पे खोलेंगे तो उस पे क्या होगी, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी कि आपको ये खरीदना है या आपको ये या लेना है, या आपकी स्कूल वेबसाइट है तो स्कूल वेबसाइट पे उसके रिगार्डिंग जो होंगे अलग अलग पेजेस होंगे कि एकेडमिक्स में क्या है, सिलेबस में क्या है, क्यूरिकुलम में क्या है, ठीक है। ये सब क्या होगा, आपके स्कूल के वेब पेजेस होंगे जो मिलकर क्या बना रहे होंगे, स्कूल की वेबसाइट्स बना रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है बेटा? वर्ल्ड वाइड वेब द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज द वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet. World Wide Web क्या होता है? जो आपकी information web, मतलब web के ऊपर रखी हुई है, internet के ऊपर रखी हुई है और जिन्हें access किया जा रहा है, uniform resource locator मैंने आपको already पढ़ा चुकी हूँ क्या होता था, link जो आप ऊपर डालते थे uniform address से, जो internet पे address डालते थे uniform resource locator से identified किया जा सकता है, और जिस पर हम हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो क्या कहलाता है आपका,
वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है आपका टॉपिक वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर क्या होता है? अ वेब ब्राउजर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इंफॉर्मेशन को और सूचनाओं को एक्सेस कर सकते हैं। When a user requests a web page from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then display the page on the user device. जब user जो होता है, मतलब हम लोग जब web page के लिए request करते हैं, web browser पे डालते हैं, आप कोई request डालते हैं, जैसे flipkart.com खोलनी है, तो उसके लिए आप URL में जाके request डालेंगे, वो क्या करेगा, वो server को access करेगा, वहाँ से web content और web pages को access करेगा और user के device पर show करेगा। आपने कौन कौन से web browser देखते हो अपने daily life में, जैसे कि Internet Explorer, द वर्ल्ड, ओपेरा, सफारी, मोजिला, नेट, फायरफॉक्स, नेटस्केप, क्रोम, ये सब क्या हैं आपके वेब ब्राउज़र हैं। इन सब वेब ब्राउज़र्स को हम अपनी डेली लाइफ में जो है कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं और इंटरनेट पे टू फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब और टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। तो ये चैप्टर बच्चों आप अपनी बुक में पढ़ेंगे।